हमारे सभी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक बटन को भी जरूर क्लिक करें। गुड एम्स दोस्तों, आपके अपने इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एसोसिएट का बिल कैसे काटा जाता है आउटलेट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जाना होगा IMC की वेबसाइट पर और वेबसाइट पर जाने के बाद हम देखेंगे राइट साइड में दो ऑप्शन होते हैं, एसोसिएट लॉगिन और डिस्ट्रीब्यूटर लॉगिन। एसोसिएट लॉगिन तो आप जानते ही हैं, आज हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर लॉगिन। तो डिस्ट्रीब्यूटर लॉगिन के अंदर आप लॉगिन कर लीजिए। जैसे हम यहाँ लॉगिन करते हैं तो ये आईडी और पासवर्ड हमसे मांगता है। ये जो आईडी और पासवर्ड होते हैं ये वो आईडी पासवर्ड होते हैं जो हमें स्टोर के लिए मिलता है। हमारा एसोसिएट आईडी पासवर्ड अलग होते हैं, यूज़र ने जो आउटलेट के जो यूज़र नेम और पासवर्ड होते हैं वो अलग होते हैं। तो हमें यहाँ पे डालना है स्टोर का यूज़र नेम और पासवर्ड। तो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो मैंने यहाँ पे सेव करके रखा है। तो आप देख सकते हैं ये आईडी नंबर और ये पासवर्ड, और यहाँ पे ये कोड पूछा है यहाँ पे लिखने के लिए, तो हम ये कोड यहाँ पे लिख देंगे। ये कोड लिखने के बाद हम इसके अंदर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप देखिए कि आपको जो पैनल है इस तरह से आपको दिखाई देगा। इसके बाद आपको ये तीन ऑप्शन ऊपर मिलते हैं, IMC और IMC एप्लीकेशन और एडमिन। तो हमें यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर जाना है, इस पर आप क्लिक करिए और डिस्ट्रीब्यूटर एडमिन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये हमें कुछ ऑप्शन और मिल जाते हैं ऊपर, आप जिस तरह से देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे पास कितना स्टॉक है कि हम बिल कर पाएँ। तो यहाँ पे हम स्टॉक चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कितना स्टॉक है। तो जैसे कि हम फर्स्ट ऑप्शन पे रिपोर्ट के अंदर जाते हैं, स्टॉक बैलेंस देखेंगे, तो यहाँ पर हम स्टॉक बैलेंस पर क्लिक कर देंगे। स्टॉक बैलेंस पर क्लिक करने के बाद हम ये यहाँ पर जो व्यू लिख रहा है व्यू पर आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपके स्टोर में जितना प्रोडक्ट है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा विद BV। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये पूरे सीरियल नंबर हैं और ये सारा प्रोडक्ट है। तो मैंने यहाँ पे करीब करीब 50 प्रोडक्ट उठाए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर में आपको 50 प्रोडक्ट दिखाई देंगे पूरे। तो 50 प्रोडक्ट मेरे पास हैं और ये जो क्वान्टिटी में है, जैसे कि एलोवेरा है, एलोवेरा मैंने 3 लिए थे और अभी मेरे पास 3 पूरे ही पड़े हुए हैं, यानी कि एक भी सेल नहीं हुआ। एलोवेरा, एक एलोवेरा का जो BV है मुझे मिलेगा 125 रुपये, और सॉरी 125 BV, और 3 एलोवेरा का मुझे मिलेगा 375 BV। इसके बाद प्राइस की बात करें तो प्राइस मुझे एक एलोवेरा का जो देना होगा कॉस्ट वो है 275 रुपये, और 275 के हिसाब से 3 एलोवेरा का जो रेट आता है निकल के वो है 825 रुपये। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं आपको कितने का पड़ेगा। वैसे ही जैसे देखिए एलो कफ केयर है, मैंने 6 लिए थे, 6 मेरे पास ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं। इससे मुझे 25 BV मिलते हैं एक से, तो 6 से 25 का इंटू करते हैं तो 6 BV का 6 क्वांटिटी का 25 BV के हिसाब से मुझे 150 BV मिलेंगे। मुझे 67 रुपये का ये पड़ेगा, तो 67 × 6 इज इक्वल टू 402, यानी कि 402, यानी कि 420 रुपये का मुझे ये 6 पैक मिलेंगे। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं एक एक करके। इसके बाद ये तो आपका ये स्टॉक हो गया, क्योंकि ये स्टॉक मैंने कल ही उठाया है, कल ही मैंने ये प्रोडक्ट लिए हैं, कल ही कह सकते हैं कि मैंने ओपनिंग करी है, तो एक दिन में ये प्रोडक्ट ऐसे कैसे है। इसके देखिए इशू के अंदर आप चेक करिए, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक एलो डाइजेस्ट जो है मैंने यहाँ पर सेल कर दिया है। मेरे पास पहले 5 थे, एक सेल कर दिया, अब मेरे पास 4 बचे हुए हैं। इसके 50 BV हैं, 4 के हिसाब से 50 के लिए मुझे 200 BV मिले हैं और 109 रुपये का मुझे ये मिला है। तो एक इसके हिसाब से अगर कैलकुलेशन की जाए तो 436 रुपये के मैंने टोटल 5 लिए हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ देखिए सबसे लास्ट में मेरे पास 20,493 BV हैं, और अगर यहाँ पे ध्यान देंगे तो 49,045 रुपये के जो प्रोडक्ट हैं मेरे पास पड़े हुए हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अपने अकाउंट के अंदर कितना माल आपके पास पड़ा है, कैसे आपको बिल बनाना है। तो चलिए मैं आपको एक बिल बना के दिखाती हूँ, आप वो बिल थोड़ा सा देख लीजिए कि कैसे बिलिंग होती है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट का बिलिंग करके दिखाते हैं, जैसे कि श्री तुलसी का जो मेरे पास 20 पीस थे जो मैंने लिए थे, उनमें से 2 मैंने सेल कर दिए और मेरे पास 18 BV बचे हुए हैं।
तो चलिए एक तुलसी का बिल मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ देखिए आपको इनके जो कोड है उस कोड के हिसाब से आपको बिलिंग करना होगा। जैसे कि श्री तुलसी का जो कोड है वो है 1131, आपको ये ध्यान में रखना है। तो चलिए हम बिल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आउटवर्ड है, यहाँ पे आप जाइए आउटवर्ड के अंदर मेक ऑर्डर बुकिंग, तो मेक ऑर्डर बुकिंग पर आप क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जिसकी भी आईडी के अंदर बीबी डालना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट देना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे उनका जो आईडी नंबर है वो लिख दीजिए। अब देखते हैं चेक करके, तो ये देखिए बिल्कुल नाम करेक्ट है जिसका मुझे, जिसके आईडी में मुझे ये प्रोडक्ट डालने हैं। शैलजा जी करके हैं, उनके आईडी में मुझे प्रोडक्ट डालने हैं जो कि महाराष्ट्र से हैं। अब मुझे यहाँ पे सिलेक्ट प्रोडक्ट करना है। सिलेक्ट प्रोडक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एंटर प्रोडक्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और पॉपअप खुल जाएगा। यहाँ पे आपको डालना है प्रोडक्ट का कोड जो कि मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पे हम डाल देते हैं 1131 जो कि श्री तुलसी का कोड है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए शो हो जाता है श्री तुलसी। अब यहाँ पे आप क्वांटिटी डालिए, जैसे कि मुझे एक तुलसी चाहिए उनके अकाउंट में डालने के लिए, और मैं यहाँ पे एक तुलसी डाल देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे शो कर रहा है एक तुलसी का जो रेट है वो 140 रुपये का आपको पड़ेगा और आपको 55 इसके पॉइंट मिलेंगे। तो ठीक है, हम यहाँ पे अब इसको सेव कर देते हैं। हम दोनों ऑप्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर हमें एक ही प्रोडक्ट लेना है तो केवल हम सेव एंड क्लोज पे क्लिक करेंगे। अगर हमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट लेने हैं तो हम सेव एंड ऐड मोर, यानी कि जो प्रोडक्ट लिया वो सेव हो जाए और दूसरा प्रोडक्ट हम यहाँ से जाके देख सकते हैं। तो अभी हमें एक ही प्रोडक्ट चाहिए तो हम यहाँ पे सेव एंड क्लोज कर देते हैं। सेव एंड क्लोज करते ही आप देखेंगे यहाँ पे इसने लिस्ट बना दी है, जैसे सीरियल नंबर 1, कोड जो तुलसी का है या फिर श्री तुलसी शो हो रहा है, प्राइस 140 रुपये, बीबी 55 रुपये, और जो प्राइस है श्री तुलसी का 140 रुपये है, क्वांटिटी 1, बीबी 55, और इस तरह से पूरा दिया हुआ है। और यहाँ पे भी देखिए वही सेम दिया है। अभी यहाँ पे हमको क्या करना है, नीचे आना है और यहाँ पे हमें इसको रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश करने के बाद में हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने सबमिट कर दिया है और इतने से ही काम नहीं चलेगा, अभी थोड़ा सा काम और बाकी है। सबमिट करने के बाद हमें ये मेक पीएस पर क्लिक करना होता है। मेक पीएस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बिल हो गया ये शो करता है, तो आपका जो भी बिल होगा वहाँ पे शो हो गया होगा। तो इस तरह से बिल तैयार होते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और आप भी अब आउटलेट से बिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, देखते रहिए सीखते रहिए, धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। गुड आई। दोस्तों, आशा है कि आप हमारे वीडियो से कुछ न कुछ सीख पा रहे होंगे। अगर आपको कुछ सुझाव देने हैं तो हमें ज़रूर दें। साथ ही आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें। कृपया अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें ताकि आपके लिए इस चैनल को और भी बेहतर बना सकें। धन्यवाद।